और मिस्र में सत्ता से बेदखल किए गए राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी के समर्थकों के खिलाफ जारी सैन्य कार्रवाई में मृतकों की तादाद लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता के मुताबिक अब तक 638 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि मुस्लिम ब्रदरहुड का दावा है कि कम से कम 2000 लोग मारे गए हैं। मिस्र के मौजूदा हालात पर संयुक्त राष्ट्र ने आपात बैठक बुलाई है, तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने मिस्र के साथ सैन्य अभ्यास रद्द कर दिया है। यही नहीं, अमेरिका ने अपने नागरिकों को मिस्र न जाने के लिए आगाह किया और जो लोग मिस्र में रह रहे हैं उन्हें बाहर निकलने के लिए कहा है। मिस्र में अरब क्रांति के आगाज के बाद बुधवार का दिन सबसे खूनी साबित हुआ। सत्ता से बेदखल हुए पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सी के समर्थन में 3 जुलाई से कैंपों में जुटे लोगों को खदेड़ने के लिए काहिरा में सेना ने चढ़ाई की। कैंपों में चीख पुकार मच गई। टकराव में 4 दर्जन सुरक्षा कर्मियों समेत 600 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका है। मुल्क को दिए गए पैगाम में अंतरिम प्रधानमंत्री बेबलावी ने बढ़ती अराजकता पर अंकुश के लिए फौजी कार्रवाई को जरूरी बताया। सरकार ने अराजकता के लिए मुस्लिम ब्रदरहुड को जिम्मेदार ठहराया है। بذات توقيت فض اعتصام ربع عن صدر التكليفات لعناصر جماعة الإخوان لمهاجمة المنشآت الشرطية والحكومية والمؤسسات الدينية لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد. बुधवार देर रात अंतरिम सरकार ने सेना को 1 महीने के लिए आपातकाल लगाने की हरी झंडी दे दी, लेकिन मुस्लिम ब्रदरहुड झुकने को तैयार नहीं है। उसने सेना के समर्थन वाली अंतरिम सरकार को सत्ता से बेदखल कर देने का भरोसा जताया। मुस्लिम ब्रदरहुड के प्रवक्ता ने मौत के सरकारी आंकड़े पर भी सवाल उठाया है। ब्रदरहुड समर्थक करीब 4000 मौत की आशंका जता रहे हैं। مندوبين هنا وسطكم الناس دي احنا عملنا تكرار من الدكاتره اللي موجوده في المستشفى الميداني لكن التكرار دي هتضيع حق الناس دول हिंसा के विरोध में नोबेल पुरस्कार विजेता एल्बर्ट डाई ने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया है। दूसरी तरफ सभी पक्षों को बातचीत के लिए मनाने की जिम्मेदारी अंतरिम सरकार पर डालकर अमेरिका ने भी दबाव बढ़ा दिया है। Egyptians inside and outside of the government need to take a step back. They need to calm the situation and avoid further loss of life. We also strongly oppose a return to a state of emergency law. सेना और पुलिस ने सैकड़ों ब्रदरहुड कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है, लेकिन लगातार बिगड़ते हालात से साफ है कि मिस्र में आने वाले दिन उथल पुथल भरे हैं। स्मिता शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।